टिकट को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा में मचा सियासी घमासान। सिंधिया समर्थकों की उड़ी नींद, मचा हड़कंप। आपको बता दें, हारी हुई विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की दूसरी सूची में भाजपा जल्द जारी कर सकती है। ऐसी 61 सीटें बची हुई हैं, दूसरी सूची में आधे से ज्यादा नाम होंगे। दो दौर की चर्चा के बाद ग्वालियर दक्षिण से पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, बुरहानपुर से अर्चना चिटनीस, बैतूल से हेमंत खंडेलवाल, डाबरा से इमरती देवी और दमोह से पूर्व मंत्री जयंत मलाया के बेटे सिद्धार्थ के नामों पर सहमति बन गई है। बता दें, ग्वालियर पूर्व से नरेंद्र सिंह के बेटे देवेंद्र और समीक्षा गुप्ता के नामों पर चर्चा है। जी हां, ग्वालियर पूर्व से देवेंद्र प्रताप तोमर और समीक्षा गुप्ता के नामों पर चर्चा चल रही है। सहमति नहीं बनी तो तीसरा नाम भी आ सकता है। मुरैना सीट से रघुराज कंसाना, करैरा से जसमंत जाटो, छित्री व दिमनी से गिरिराज दंडोतिया के नामों पर असमंजस है। सूत्रों का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमा सहमत हुआ तो इनके नाम बदले भी जा सकते हैं। इसी के साथ जबलपुर पश्चिम में अभिलाष पांडे व प्रभात साहू में से एक नाम हो सकता है। जबलपुर उत्तर में पूर्व मंत्री शरद जैन ने बेटे रोहित का टिकट मांगा है। यहां धीरज पटेलिया का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है। फिलहाल आपको बताते चले कि ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा, डबरा से इमरती का टिकट तय है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।